तो आज आप के लिए मैं एक इजी वे लाया हूँ, इजी रास्ता लेके आया हूँ जो कि सबके पीसी में अवेलेबल है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। आप देख सकते हो कि यहाँ पे पेंट नाम का एक ऐप है। यहाँ पे आपको ख्याल होगा पेंट में आप यूट्यूब थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपको बहुत एडिटिंग, बहुत इमेजेस, प्रो टाइप्स की थंबनेल इसमें क्रिएट कर सकते हो, बट थंबनेल मैं कहूँ तो अच्छी सी थंबनेल आप इसमें चाहे तो क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने सारे वीडियो में इससे में से ही थंबनेल क्रिएट किए। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको थंबनेल क्रिएट करके। तो इसमें आपको पहले तो थंबनेल की कितनी साइज है आपको वो पता करनी है। तो यहाँ पे मैंने थंबनेल की यहाँ पे दो साइज सिलेक्ट किए हैं। यहाँ पे 640x480, दूसरी 940x540। हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे दो यहाँ पे साइज सेट की है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा 940x540 वाली। ओके दोस्तों, यहाँ पे उसका थोड़ा सा हाई डेफिनेशन होता है। आप 640x480 के ले लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट फोटो थोड़ा सा छोटा आएगा और इसमें पिक्सल भी थोड़े कम आएंगे। ओके दोस्तों, आप 940x540 की ले ले, बहुत अच्छे पिक्सल भी आएगा और आपका थंबनेल भी एकदम बढ़िया सा लगेगा और ज़्यादा जगह आपको यूज़ करने को मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली पेंट ऑप्शन खोल लीजिए दोस्तों। पेंट यहाँ पे आपको अवेलेबल होएगा आपके किसी भी कंप्यूटर पे। तो यहाँ पे पेंट में जाने के बाद पहले तो आपको साइज कैसे सेट करनी, मैं आपको बता दूँ। पहले आपको यहाँ जाना है रिसाइज में। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों बाय में दो फोल्डर है, यहाँ पे पिक्सल्स में सेट करना है। पिक्सल में जाने के बाद यहाँ पे पहले तो अनमार्क करना है मेंटेनेंस को, राइटों को। यहाँ पे अनमार्क करने के बाद यहाँ पे आपको साइज आपको जो भी सेट करनी है वो रखनी है। ऑलरेडी यहाँ पे आप देख सकते हो 940x540 की साइट ऑलरेडी मैंने यहाँ पे सेट करके रखी हुई है। तो यहाँ पे 940x540 की साइट सेट करके आप यहाँ पे ओके क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये साइज सेट हो जाएगी दोस्तों। ओके, सेट करने के बाद आप यहाँ पे आप जो भी चाहे वो आप एड कर सकते हो। चलिए तो यहाँ पे मैं नॉर्मली एक थंबनेल क्रिएट करके बताता हूँ दोस्तों। ओके, सो हाउ टू क्रिएट अ थंबनेल। तो यहाँ पे हम इस टॉपिक के बात करते हैं। तो यहाँ पे ब्लैक, ओके, सो यहाँ पे हो गया है। नॉर्मली मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, ऐसे आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप भी इसे अच्छे से थंबनेल क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हमने ऐसे ही थंबनेल क्रिएट कर रहे हो। तो इसे चाहे आप यहाँ से सिंबल उठा के आप ले सकते हो दोस्तों। सो यहाँ पे उसका कलर चेंज कर सकते हो। अगर आपको बाहर से सिंबल उठाने हैं तो आप गूगल में जाके सिंबल ले सकते हो, कि अगर आपके पीसी के हार्ड ड्राइव में तो वहाँ पे जाके ले सकते हो। कैसे लेते हैं, पहले यहाँ पे आप पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं दोस्तों। पेस्ट फॉर्म में जाते हैं, फिर जिस भी गैलरी पे है वहाँ पे जाके आप ले लेते हैं। यहाँ पे चलिए मैं ये लेता हूँ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये पोस्टर आ गया है। यहाँ पे ऐसे आप सेट करके सारा यहाँ पे सेट करके आप अच्छा सा थंबनेल आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, यहाँ पे हम नॉर्मली ऐसे थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं, बट मैं आपको दोनों साइज की इमेज आपको मैं दिखा दूंगा। पहले तो हम नॉर्मली इस थंबनेल को ऐसे सेव करते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ कैसे क्रिएट करते हैं थंबनेल। मैंने ऐसे ही यहाँ पे फोटोज़ रख दी है दोस्तों, तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। चलिए दोस्तों, तो मैं अच्छे से यहाँ पे आपको थंबनेल क्रिएट करके ही दिखा देता हूँ। पहले यहाँ पे अच्छा सा कोई भी कलर आप ले लीजिए। ओके, तो यहाँ पे ब्लू कलर ले लेते हैं। फिर यहाँ पे कोई भी नाम सिलेक्ट कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पे चलिए नाम का अक्स ले लेते हैं। यहाँ पे हाउ टू क्रिएट यूट्यूब थंबनेल, यहाँ पे चाहे तो यहाँ पे अक्सर बड़े कर लीजिए। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे नॉर्मली ऐसे मैंने थंबनेल क्रिएट कर रहा हूँ। चलिए मानिए कि ये एक अच्छा सा थंबनेल है और यहाँ पे मैं ऐसे एरा लगा रहा हूँ दोस्तों। ऐसे चाहे तो आप
रख सकते हैं। यहाँ पे जो भी चाहे वो आप कलर इस पर अच्छे से सेट कर सकते हैं। पहले वाला जो मैंने आपको दिखा थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था, इसलिए मैंने आपको अच्छा से यहाँ थंबनेल ऐसे ही बता रहा हूँ डेमो के तरीके से। यहाँ पे आप देख सकते हो 940 पिक्सल पे हम इसे सेव करते हैं। तो यहाँ पे जाके आप सेव कर या कंट्रोल एस दबा के यहाँ पे सेव रखिए। ओके, यहाँ पे फाइल में सेव करता हूँ यूट्यूब टी। ओके, यानी कि थंबनेल। ओके, सो यहाँ पे ये थंबनेल सेट हो गई है 940 के पिक्सल पे। और मैंने दूसरी साइज़ बताई थी पहली वाली 640x480 वाली इस थंबनेल में। तो चलिए ये ट्राई करते हैं। यहाँ पे आप फिर से रिसर्च में जाके यार वही सेट कर दीजिए 640 और 480। ओके, 80। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे थंबनेल थोड़ी सी छोटी हो गई है। यहाँ पे पिक्सल थोड़ा सा यहाँ पे क्रैश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे में आपको बता दूँ, यहाँ पे एक 720p है और वो थंबनेल 1080p था, ये आप समझ लीजिए दोस्तों। बट थंबनेल दोनों चलेगी, मैंने दोनों साइज़ बता दिया आपको, जो भी चाहे वो यूज़ कर सकते हैं। बट मेरी राय पे माने तो मैं यूज़ करता हूँ नॉर्मली 940 वाली थंबनेल। तो आपका जो भी मन चाहे वो आप यूज़ कर सकते हो, मैं रिकमेंड करूँगा 940 वाली। ओके, चलिए यहाँ पे मैंने ये सेव कर लेता हूँ पहले। सो यहाँ पे आप देख सकते हो दो साइज क्रिएट हुई है। यहाँ पे ये साइज 6 छोटी वाली साइज जो हमने बाद में की थी, और ये थोड़ी सी बड़ी वाली साइज है दोस्तों। तो यहाँ पे माइनर ही डिफरेंट होता है, यहाँ पे बहुत डिफरेंट नहीं है, बट मैं नॉर्मली ये यूज़ करता हूँ 940 वाली साइज को। तो अगर आपको थंबनेल अच्छी वाली क्रिएट करनी है तो आप पेंट में जाके क्रिएट कर सकते हो, और नेट में कई सारे ऑप्शन भी अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके भी कर सकते हो। और इजी रास्ता ये है, पेंट में जाके आप अपनी थंबनेल क्रिएट करिए दोस्तों। मालूम होना चाहिए आपको कितनी साइज सेट करनी है वो, तो मैंने बता दी, एक बार फिर से आप देख लीजिए। यहाँ पे दो साइज में आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ओके दोस्तों, अगर आपको साइज सेट करनी है तो फिर से एक बार बता दूँ कि यहाँ पे आप रिसर्च में जाके यहाँ पे पहले पिक्सल क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको अनमार्क करना पड़ेगा, और यहाँ पे आप दोनों साइज लिख के ओके प्रेस कर दीजिए। ओके दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ मुझे लाइक करके बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए दोस्तों, प्लीज़ कमेंट कीजिए, क्योंकि अगर आपको कोई भी दिक्कत होती तो प्लीज़ मुझे पता होना चाहिए कि आपको दिक्कत क्या है, आपको क्या मालूम नहीं पड़ रहा है, तो प्लीज़ नीचे लिख के बताइए, मैं आपका सवाल का जवाब देने यहाँ पे बैठा हूँ, मैं आपका सवाल का जवाब दूंगा 100%। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगले वीडियो में मैं फिर से आपसे एक नए टॉपिक के साथ मिलता हूँ एक न्यू वीडियो में। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए मेरी चैनल।